हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार दोस्तों। कैसे हो सभी आप? दुरुस्त और तंदुरुस्त होंगे और अपने घर में दोस्तों स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, SSC रिजल्ट पे रिजल्ट निकाल रही है। चेयरमैन साहब के बयान के अनुसार आज 18/5/2022 है दोस्तों। आज एक और नया रिजल्ट आया दोस्तों, तो क्या रिजल्ट आया है और क्या कट ऑफ रही, ठीक है, किसकी हो गई बल्ले बल्ले है, तो देखते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले ये रिजल्ट आया है भाई, फाइनल रिजल्ट आया है पोस्ट ऑफ लाइब्रेरियन ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग डिपार्टमेंट। समझ गए होंगे आप ITI के, उसका लाइब्रेरियन का, ठीक है। ये फाइनल रिजल्ट आया, ये ऑनलाइन एग्जाम था भाई। तो इसकी कट ऑफ क्या रही है, 45 सीट थी टोटल। और भाई इसकी कट ऑफ ना पूछोगे तो ठीक रहेगा, वैसे 85 में कट ऑफ गई है भाई। थोड़ा थोड़ा ALM का दक्षिण हरियाणा वाला याद आ गया होगा आपको भी, ठीक है। तो 85 नंबर जनरली कट ऑफ रही है। दूसरी वेटिंग रही है 83 में, और SC के साथ पोस्ट थी भाई 57। चलो ये तो ठीक गई भाई, सात पोस्टों के लिए। SC वेटिंग 54, BC की 62, BC वेटिंग 56, BC भी 61, AWS की 63। यानी कुल मिला के ठीक रही है जनरल की 39, ये सारी ठीक है। सिर्फ मोस्टली अगर देखा जाए दोस्तों, तो जनरल की कट ऑफ जो है वो बहुत हाई रही है भाई, कहाँ 85 और कहाँ 57, ठीक है दोस्तों। तो इसमें अगर आप देखेंगे 60, तो इसमें 25 और 28 नंबर का फर्क है दोस्तों। तो दोस्तों ये एक रिजल्ट आया लाइब्रेरियन का, जैसा कि चेयरमैन साहब ने बताया था कि हम अब रिजल्ट रोज निकालेंगे, ठीक है, और धीरे धीरे करके निकाल रहे हैं, सारी भर्तियां क्लियर हो जाएंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नई अपडेट, ALM रिगार्डिंग अपडेट, ज्वाइनिंग अपडेट, सारी जितने भी कोर्ट अपडेट, सब हम आपको इस चैनल के माध्यम से बताते रहेंगे। और आप अपने चैनल पर इस पर विश्वास करें, आप कोई भी वीडियो उठाकर देख लीजिए, इस चैनल की सारी ट्रस्टेड वीडियो हैं। और जो कट ऑफ हमने बताई थी, वही कट ऑफ हर भर्ती की आई है, ठीक है दोस्तों। तो ये देख लो आप, 85 जो लिस्ट गई है, ये इससे सिद्ध होता है भाई बिल्कुल कि ये घपले की निशानी है भाई, ठीक है। 85 नंबर लिस्ट 100 में से थोड़ी नहीं होती भाई। आजकल 85 नंबर लेना बहुत मुश्किल बात है भाई। हाँ, 60-65 तक, 70 तक भी मान लेते हैं, 70 भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। लेकिन इसका मतलब आपको क्या दर्शाता है, ये पता है कि जितने भी पेपर पहले के हो रहे हैं दोस्तों, उसमें कट ऑफ फालतू आ रही है दोस्तों, बहुत ज़्यादा कट ऑफ दिखाई दे रही है। और जो खदरी साहब के टाइम में अभी जो इतने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं दोस्तों ऑफलाइन, इनका आपने देख ही लिया होगा। स्टाफ नर्स देख लो, MPHW देख लो, रेडियोग्राफर देख लो, ALM देख लो, ठीक है। लेकिन ये ऑनलाइन वाले जैसे ही निकल के आते हैं कि भाई ये पेपर जो है ऑनलाइन हुआ था कंप्यूटर बेस, उनकी कट ऑफ इतनी आ रही है। तो इसका मतलब क्या है, वो आप सभी जानते हैं कि भाई कोई ना कोई मोटा लोचा हुआ है इस मामले में। तो दोस्तों ये मेरे को आपको एक अपडेट बतानी थी कि 85 नंबर कट ऑफ आज के टाइम में क्या मायने रखती है, कि बच्चों का जो भविष्य है, जो एलिजिबल कैंडिडेट है, उनके साथ खिलवाड़ है दोस्तों, ठीक है। तो और आपकी मर्जी आगे क्या होता है। और कुछ बच्चों का ये भी कहना है कि पैसे देकर बच्चे नौकरी लग रहे हैं। अभी इस हिसाब से अगर देखें तो 85 नंबर वाले इस बात को हम बच्चे जो कह रहे हो सत्यमान भाई माना जा सकता है, एक मेरे पर्सपेक्टिव से। तो दोस्तों ठीक है, एक नई अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ मिलेंगे। तो ALM साथी जो जुड़े हुए हैं वो अपडेट रहे, उनकी सारी बातें हम बताएंगे आपको। तो धन्यवाद भाई, राम राम।